मेरा नाम रिया प्रमोद कंघाटकर है और मैं राजनांदगांव स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ पे खेलती हूँ और मेरे कोच का नाम है राजेश्वर राव कालवा और मेरा ये फर्स्ट खेलो इंडिया है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बास्केटबॉल मोस्टली अगर जनरली बात की जाए तो बास्केटबॉल टॉल प्लेयर्स का गेम है ऐसा बोलते हैं, बट मुझे मेरी हाइट छोटी होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, स्मार्ट वर्क गेम खेलना पड़ता है, हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और मुझे मेरे कोच से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जिसके राजेश्वर राव कालवा मुझे ऑल टाइम वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मैं किसी चीज़ से डाउन हो जाती हूँ तो फिर वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते कि नहीं उससे हो पाएगा, क्योंकि मेरे में जो स्किल्स है वो मुझे शो ऑफ दिखाते कि हाँ तू कर सकती है ये चीज़। 12 बच्चों में से सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली एक रिया कुंघाटकर है जो शॉट है और उसी के स्कोर सबसे ज़्यादा होता है। हमारी अभी जूनियर नेशनल सेमीफाइनल था पंजाब के साथ, वहाँ पे मोस्टली पंजाब की टीम ज़्यादातर हाइटेड रहती है, बट हमारे सामने एक फाइट थी मतलब मेरे टीम के लिए कि हाँ खेलना है करके फाइनल्स तक पहुँचना, एक माइंड सेट था हमारे टीम का। तो मेरी टीम में बहुत अच्छी है जो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती है और इसलिए हमारा जो माइंड सेट होता है जब मैच में उतरते हैं हम उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा खेलते टाइम हम परफॉर्म बहुत अच्छा कर पाते हैं। मैं खेलो इंडिया की स्कीम में हूँ, मेरे को पर मंथ 10,000 मिलते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे प्लेयर्स लोगों के लिए इस चीज़ का कि एक सपोर्ट मिल जाता है इस चीज़ का। और खेलो इंडिया ये टूर्नामेंट खेलने के बाद तो हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉप 8 टीमें आती है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन मिल रहा है यहाँ पर।